दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी फ्रेश मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश मटर, आप इसके जगह पे फ्रोज़न मटर भी यूज कर सकते हो। तो मटर को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मटर को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने दो आलू, आलू को मैंने पहले से ही छील के रख दिया था। तो इसे हम थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम दोनों आलू को कट कर लेंगे। और साथ ही में मैंने एक प्याज भी लिया है, प्याज को मैंने पहले से छील लिया था, अब इसे भी हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे दोस्तों आलू और प्याज को मैंने कट कर लिया है और मटर को भी छील लिया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है दालिया, जिसकी हम बनाते हैं चटनी। तो ये आसानी से किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगी। तो दालिया को ना हम पीस लेंगे, इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, एक टमाटर। अब इन सबको ना हम पीस लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो दोस्तों ये सब्ज़ी ना सरसों के तेल में बनाओगे तो एकदम ढाबा स्टाइल बनती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। वो भी मटर तो सबकी जान है दोस्तों, आप लोग को पता है हर एक सब्ज़ी में मटर डालो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, मेथी, तेज़पत्ता, काली इलायची, हरी इलायची और लौंग। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का मैंने डाला हुआ है। तो चलिए इन्हें हम ना चटकने देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से चटक गया है, अब इसमें डाल देंगे ना कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे ना प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मटर जो मैंने छील के रखा था। तो साथ ही में डाल देंगे ना 2 से 3 चम्मच ये पाउडर, जो मैंने दालिया का पाउडर बना के रखा था ना वो। इससे क्या होता है दोस्तों ना, सब्जी का ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर इस तरह से मटर की सब्ज़ी बनाना, तो कमेंट बॉक्स में बताना हमें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसे हम ढककर पकाएंगे थोड़ा सा मटर सॉफ्ट हो जाए। तो मटर भी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ आलू। आलू के साथ में ही डाल देंगे जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना टमाटर का वो। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे।
साथ ही में डाल देंगे इसमें ना कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। इन्हें भी अच्छी तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। साथ ही में डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी मिक्स करेंगे। तो दोस्तों आज की ये सब्जी ना बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आप लोग स्किप मत करना। तो अगर हमारी आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे ना थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो इसे इस तरह से चलाते हुए मैंने पका लिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 1 ग्लास भर के पानी डालेंगे। तो मेरी ग्लास यहाँ पे थोड़ा बड़ी है ना दोस्तों, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से डाल सकते हो। तो पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और ढककर 1 से 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। साथ ही में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो इसे हम ना बीच बीच में 1-2 बार चेक भी कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सब्जी एकदम पक गई है अच्छे से और ग्रेवी भी थिक हो गई है। तो दोस्तों वो जो मैंने पाउडर बना के डाला था ना दालिया का, उससे क्या होता ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो फाइनली दोस्तों इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।